नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर पूरे देश में चर्चा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर किया गया वो फेक था। वहीं पर मंगेश यादव की बहन, पिता और माता जी ने भी यहां पर जो आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को खड़ा करता है। कुछ सवाल हैं आपके सामने जो हम लेकर आए हैं, उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ नहीं दे रही है। और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी नज़रअंदाज करती हुई दिख रही है। तो आप यहां पर देखिएगा मामला, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में जो डकैती हुई गलत हुआ, अगर मंगेश यादव उसमें थे तब भी ये गलत थे, लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ एनकाउंटर को लेकर है। जो बड़े बड़े अपराधी थे उनको सरेंडर कराया गया, जो छोटे रहे होंगे उनके ऊपर गोली मार दी गई, केवल मंगेश यादव के ऊपर गोली मार दी गई। अब आप यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे मामला क्या है, क्या क्या यहाँ पर आप देखिएगा। ये चप्पल पहनकर जो एनकाउंटर किया गया है, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एनकाउंटर जब किया जाता है तो जूता पहनकर किया जाता है, और बुलेट प्रूफ जैकेट होती है लोगों के पास जो एनकाउंटर में शामिल होते हैं पुलिसकर्मी या एसटीएफ के जवान। आप समझ सकते हैं ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट है यहाँ पर, ना तो सबके पैरों में जूता है, और कितना आसानी से हंसते हुए फ़ोटो यहाँ पर खिंचाते हुए आप देख रहे हैं। पहला नंबर यहाँ पर चप्पल को लेकर के, चप्पल पहनकर जो गोली चलाई गई है मंगेश यादव पर, डीके शाही ने मंगेश यादव पर गोली चलाई गई। और इस एनकाउंटर के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है किसी भी अफसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं पहना है। तो पहला सवाल चप्पल को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और बड़े बड़े अफसर यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। वहीं अब पर हथियारों की बेमेल थ्योरी, मंगेश यादव के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये उसमें थे, आरोपी थे, चलो ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो भी 8 मुकदमे पहले से दर्ज थे, हथियार से संबंधित कोई थे ही नहीं। मतलब कि छुटपुट मामले दर्ज थे, चोरी डकैती के छोटे मोटे मामले दर्ज थे। इसमें 2 असलहे बरामद हुए, इसका जवाब भी पुलिस नहीं दे रही है। तो आप समझ सकते हैं गोली चलाना और फायरिंग करने के सबूत अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस ने ये रवैया दिखाया है कि इसमें 2 असलहे बरामद हुए। वहीं पर बहन की दावों को किया गया नज़रअंदाज, जैसा कि बहन कह रही है, लूट के दिन हमारा भाई हमारे साथ गया था फीस जमा करने, तो पुलिस को चाहिए था कम से कम उस स्कूल में जाते, वहाँ जो स्कूल में जाते सीसीटीवी कैमरा लगा होता, या उस रास्ते से आते जाते कहीं ना कहीं लगा होगा, तो उसकी कम से कम जाँच होती। लेकिन इस मामले को लेकर भी एसटीएफ ने कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं खंगाला। ये एक कहीं ना कहीं और सवाल यहाँ पर गंभीर खड़ा कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के ऊपर। तो एक शक का दायरा ये भी घूम रहा है। वहीं पर 3 दिन पहले हुई थी पूछताछ। अब आप सोचिएगा, रात 2 बजे मंगेश यादव की बहन के अनुसार ले गई एसटीएफ इनको, ले गई कोई बात नहीं, पूछताछ हुई थी, जब ले गई अपने साथ रखी तब इनकाउंटर कैसे हो गया। इनकाउंटर उस सूरत में होता है जब भाग रहा होता है, मुठभेड़ होती है, पीछे से खदेड़ रहे होते हैं पुलिसकर्मी, समझ सकते हैं। तो इस मामले को लेकर भी पुलिस अटकती हुई नज़र आ रही है। तो जब पकड़ कर ले गई थी तो इनकाउंटर की नौबत कैसे आई। अब यहाँ पर मामला जब देखा गया दोस्तों, घर के हालात को देखकर एक सामान्य सा व्यक्ति सोच सकता है कि यह व्यक्ति इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी कैसे है। इसका घर देखें ना, इसके घर में ठीक से सामान है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही गरीबी वाला हाल है यहाँ पर।
तो यहाँ पर परिवार की गरीबी और अमीर, मंगेश की अमीरी। मंगेश यादव का परिवार काफ़ी गरीब है। मंगेश के पिता राकेश यादव ड्राइवर हैं। मंगेश की फैमिली बिना प्लास्टर के मकान में रहती है। प्लास्टर क्या, छत भी नहीं पड़ा है। घर की हालत टूटी फूटी झोपड़ी पुलिस के बयानों से मेल नहीं खा रही है। पुलिस का दावा है कि मंगेश के पास अमेरिकन टूरिस्ट का बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट, 2 ब्रांडेड पैंट मिले हैं। यह भला कैसे मुमकिन है? देख सकते हैं, घर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तो ये पुलिस के ऊपर भी ये शक आ रहे हैं। ज्वेलर जिसके यहाँ चोरी हुई है उसने भी पहचानने से इनकार कर दिया है। ज्वेलर के मुताबिक कहना है कि इस लूट में, पुलिस का कहना है कि अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव, अंकित यादव शामिल थे, मगर ज्वेलर भरत सोनी ने अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पहचाना है। उन्होंने भी बोला है भरत सोनी जी हैं, और इन्होंने हमारी वीडियो बनने से पहले तक जो बयान आया था इनका, कि इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो सामान गया है उसमें चांदी बरामद हो रही है लेकिन सोना बरामद नहीं हो रहा है। इस सोने को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला योगी सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि सोना कौन ले गया, सोना कहाँ गया। अब अगला नंबर आता है, सुल्तानपुर में क्यों छिपा था आरोपी जब इतना बड़ा अपराधी था वो? कोई अपराध करेगा तो सुल्तानपुर में कैसे छिपेगा? तो 1 लाख का इनाम भी था, उसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, उसके 3 साथी पकड़े जा चुके थे। ऐसे में सवाल यह है, मंगेश को अच्छी तरह से पता चला, मंगेश को अच्छी तरह से जब पता था, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो वह अपने घर पर क्यों था? क्योंकि ऐसे मामलों में तमाम लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं। इस मामले को लेकर रवीश कुमार का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर रवीश कुमार क्या कहते हैं। 2017 से ही एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में एक फैसला सुनाया कि अगर एनकाउंटर फर्जी साबित हो गया तो पुलिस अफसर को फांसी की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ट्रिगर हैप्पी पुलिस कर्मी को अगर लगता है कि वह एनकाउंटर के नाम पर किसी को मार सकता है और फंस जाएगा, तो उसे पता होना चाहिए कि फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। जो भी फर्जी एनकाउंटर करता है वो हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है और सिस्टम के इशारे पर काम करने लगता है। सरकार और राजनीति की कृपा पर जिंदा रहता है कि हमेशा उसे बचाया जाता रहे, यह बात याद रखनी चाहिए। सुल्तानपुर में लूट की घटना के बाद जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं। यह भी किसी घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह इसलिए छोड़ दिया गया कि वह यादव नहीं था, उसके नाम के आगे सिंह लगा था, उससे सरेंडर कराया गया। उत्तर प्रदेश के लिए यह बेहद दुखद प्रसंग है कि यहाँ इन बातों की चर्चा हो रही है। तो देख सकते हैं, अगर फेक एनकाउंटर साबित होता है तो इसके पहले फैसले आ चुके हैं, फांसी की भी सजा हो सकती है। अब आप सोचिएगा, जैसे मान लीजिए अब भविष्य में सरकार बदल जाए, सरकार अगर बदल जाती है तो जांच होगी। अब सरकार इस इनकाउंटर में जितने लोग शामिल हैं इनका दुरुपयोग भी कर सकती है। दुरुपयोग का मतलब यह है कि अब सरकार के इशारे पर पूरा काम करना पड़ेगा। सरकार जिसकी भी रहेगी आने वाले समय में, अगर उसने कह दिया कि इस व्यक्ति का इनकाउंटर करना है और इन अधिकारियों के ऊपर भी जो अधिकारी हैं, वे ये सब जो भी इसमें शामिल हैं, अधिकारी जितने भी शामिल हैं इसमें, सब अब एक सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे। गुलाम का मतलब अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, इनसे समय समय पर पैसा मांगा जाएगा, इनसे समय समय पर अपनी आवश्यकताएं पूरी कराई जाएंगी, समय समय पर इनका दुरुपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं, जांच होती है तो क्या होता है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।